हाँ जी दिखा दो बैग, छोटा सा चाहिए, ये बहुत बड़ा हो गया। बैग लेने रितिक को एक बैग चाहिए था। वेलकम सो, बैग ले लिया, अभी थोड़ी कुछ खाने की चीज़ें ले। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज सैटरडे दिन के बज रहे हैं तो, और धूप इतनी है कि मैं क्या ही बताऊँ। सो अभी मैं आ गई ऑफिस से और मैं जा रही हूँ रितिक से मिलने, उसका एक्सरे करवाना एक, और कुछ एक सामान था जो उसको देना था। वैसे तो चाचू चाची ने आना था आज, बट वो आ नहीं पाए। सो चलते हैं, अभी कैब मेरी आ रही है, फिर निकलते हैं। अभी फिलहाल हम कर लें काम, चलो एक्सरे इन द हॉस्पिटल। एक्साइटेड एक्साइटेड फॉर एक्सरे 4000। हाँ जी, एक्सरे हो गया, रिति बैठी है ऊपर, रिसिप्ट लेना भूल गई दिन से, तो वो लेने आएंगे फिर निकलेंगे। एक्सरे से फ्री हो गया, हमने सोचा थोड़ा चीयर्स कर लेते हैं, तो अभी थोड़ा थोड़ा खा रहे हैं, हम ज़्यादा नहीं खा रहे। सो टेस्ट भी करा लिया, खा पी भी लिया, अभी हमारी कैब आ गई, हम जा रहे हैं वापस। टपिया टपिया, आराम से आराम से आराम से। ये वाली सामने मौसम चेक, मौसम चेक। चलो ले चलो तुम्हें तारों के शहर में। सो अभी मैं आ गई वापस, रिति को छोड़ा हॉस्टल, एंड एक्चुअली डॉक्टर ने थोड़ा लेट आना था, सो तब तक वहाँ पे रहना थोड़ा पॉसिबल नहीं। सो एक्सरे हमने करवा लिया था, तो उसकी रिपोर्ट अभी आनी है मंडे को। डॉक्टर के पास इसलिए जाना था कि वो थोड़ी मतलब छोटी मोटी दवाई दे दे, जिससे कि उसको पेन ना हो और मंडे तक वो ठीक रहे। बाकी फिर एक्सरे की रिपोर्ट जब मंडे को आएगी उसमें पता लग जाएगा। एक्चुअली उसको ना पैर में थोड़ा सा मुझे लग रहा कैच जैसा आया हुआ है, तो वो समझ नहीं आ रहा कि क्या है, तो रिपोर्ट तो नहीं आई, अब बिना रिपोर्ट के पता भी नहीं लगेगा कि क्या। फिर मंडे को सुबह जाऊंगी मैं रिपोर्ट लेने, फिर देखते हैं क्या बनता है। अभी मैं पहुँचने वाली हूँ घर, और मैं जानी मेरा मन करा वॉक करने चली जाऊँ, क्योंकि पिज़्ज़ा खतरा था, बचाना पैना लगता है। सुबह भगवान ने कुछ ज़्यादा सीरियसली ले ली मेरी प्रे। तूफान आ चुका है भाई लोगों, बहुत तेज तूफान, हम जैसे ही घर से निकले तेज तूफान आ चुका है। ये क्या हो रहा है, ये हो रही है शिफ्टिंग, कोई आया है या कोई गया है। सुहाना सफर और ये मौसम हसी, हमें डर हम खो न जाए कहीं। 15 का सारे बैठ रहे भाई भाई हो क्या सारे, तो नाम बता दो क्या है आपका, आग लग जाएगी। अच्छा ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट है, हो जाएगा ऑनलाइन, दे दो फिर खा लेते हैं। चलो तुम्हारे हाथ का भुट्टा, इतने छोटे छोटे बच्चे इतनी मेहनत कर रहे, मैंने एक भुट्टा लिया उनसे। मैं ऐसी चीज़ें मुझे बहुत इंस्पायर करती हैं, कभी कभी हम बहुत शिकायतें करते हैं लाइफ से कि ये नहीं है वो नहीं है, फिर जब मैं ऐसी चीज़ें देखती हूँ तो मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ कि यार काश जो आपके पास है वो शायद कोई चाहता है, तो जो आपके पास है उसमें खुश रहें। बारिश लग गई और मैं अभी भी पार्क में स्टक हो चुकी हूँ, अब नहीं मैं निकल सकती, अब मैं पेड़ों के नीचे छुप छुप के अपने अपने जीवन व्यतीत करूँगी थोड़ी देर। बारिश शुरू हो चुकी है और हम भी गए हैं बुरी तरह से, जान चली जाए पर ब्लॉग ना जाए, ब्लॉग बनाना ना छूटे। एंड पल्लू गई है मूवी देखने और मैं जा रही हूँ, एक मेरी फ्रेंड है जिसका मेरे बिना जी नहीं लगता, पता नहीं क्या दिक्कत है उसको, वो आ गई है, गाड़ी उठा के मुझे जाना पड़ेगा उसके साथ, उसके घर रहूँगी आज मैं तो। अभी भी वो आ रही है रास्ते में, तो निकलते हैं फिर, मैं रेडी हो जाऊँ तब तक। मौसम देख लो भाई लोगों, ये भी देख लो,
से हाय टू माय व्यूअर्स। प्लान जापा मतलब अभी आई एम शॉपिंग करने। एक्चुअली आज क्या हुआ था ना, गुनू ना ये वाली ड्रेस पहन के आई थी और हवा बहुत चले तो ना उड़ने वाले, तो इसके कारण ना स्टॉकिंग्स लेनी पड़ी हमें। कैसे चल रहा है आपको? ये वाला हमने फिर खरीदा। बता देते हमने क्या महानता की है। नहीं मैं बोलूंगी नहीं प्लीज। कितना अच्छा कंटेंट मिल गया चिंकी। सो अभी हमने लिया एक स्टॉकिंग। नाउ आई एम कम्फर्टेबल, अदरवाइज तो इतना बुरा लग रहा था कि मैं क्या ही बताऊँ। बारिश शुरू हो गई है बहुत ज़्यादा, देखिए कितनी ज़्यादा, और हम फंस चुका है मार्केट। वो मोमोज वाला नहीं था आज ना? हाँ था। आज हमने न्यू जगह एक्सप्लोर करनी है, आज नया मिला हमें रेस्टोरेंट। इसके मुंह के अंदर आकर रेस्टोरेंट नया मिला। रेस्टोरेंट का नाम है मेक फूड नॉट बॉट। आई थिंक ये नया खुला है। आई थिंक ये खुला ही नया है। नया खुला तो को पता ही नहीं है ना। अभी हम जाएंगे अंदर, बट अंदर एक्चुअली यहां से बना मेरी वीडियो, इसलिए हम जा यहां पे बना मेरी वीडियो। ब्लॉग बन रहे हैं अभी, रे चुप रहेगा नहीं रहेगा। अच्छी जगह आज दिन से ही मेरा बाहर का ही चल रहा है। बहुत ही प्यारी लोकेशन है। आज के लिए बस इतना ही। कॉफी बहुत सुंदर है। मैं ही लूंगी। दिस इज माय ब्लूबेरी शेक। और सामने से लड़की है या मेरे को क्यों लग रही है प्रियंका जैसी? बाहर खड़ी चल पड़ो इसके घर में, पता कितने सारे बच्चे रहते, जाना पड़ेगा। लो चॉकलेट लेके आई हूँ। पता नहीं भाई। आ जाओ। क्या चॉकलेट? अरे कैसा बच्चा, मंगवाया तो था चॉकलेट, नहीं खाना ठीक है। 9 बजने वाले हैं और खा पी के हम लोग जा रहे हैं घर। इनको वैसे पसंद नहीं आया कुछ। क्यों पसंद नहीं आया आपको? आप हमारे दर्शकों को ना वो गाली देखने में बहुत अच्छा था, बट उसके मतलब वो था ना ऊंची दुकान फीके पकवान लाइक वाला सीन था वहाँ पे। गार्लिक ब्रेड में उन्होंने इतने कैप्सिकम डाले थे ना, हमें क्या बताऊं। वेस्ट और मनी वेस्ट, पैसे वेस्ट और क्या वेस्ट था, और उन्होंने जो खाना बना था वो भी वेस्ट। सो रात के बज रहे हैं 11 और अभी हमने कुछ बनाना है, कुछ खाना है। अभी तक हम गप्पे ही मार रहे थे, अभी वो नहा रही है, उसके बाद बनाऊंगी और फिर हम देखेंगे अच्छी सी मूवी। एक मूवी मैंने पिछली बार जब मैं इसके घर आई थी तो वो आधी रह गई, तो आधी आज मुझे देखनी है क्योंकि मुझे अंदर से हो रहा है कि उसमें क्या हुआ होगा। सो बस यही है, यही था हमारा वीकेंड। समझती है तू सब कुछ? एक यही है जो मुझे समझती है पूरी दुनिया में। वीडियो बनाई है कोई रील पे। लोगों ने कहा था कि आप अपनी मैगी की रेसिपी शेयर करो, बट अभी मैं उस सिचुएशन में नहीं कि मैं पूरा व्लॉग बनाऊं, उसका मैं कभी फिर से बनाऊंगी। सो अभी मैं फटाफट मैगी बना के देन मैं आराम से फटाफट मैगी बनाऊंगी और गुन्नू को दूंगी। मेरे को ना सच्ची बताऊं तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को वीकनेस फील हो रहा है। सो मैं फटाफट 5 बजे उठ जाओगे तो वीकनेस ही होगा तुम्हारे को, रात को 11 बजे फील। मेरे को कमी चाहिए थी। व्लॉग बना रही है? सो रेडी है पहाड़ों वाली मैगी। आज मेरी अच्छी बनी हुई, अच्छी बनी है। चीयर्स। सो ये बन गई मैगी, उधर चल रही मूवी और यही था हमारा वीकेंड। इसके बाद हम सोएंगे। गुड नाइट गडुमान। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? एक आंटी आती टिकटॉक पर बोले गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? हम आ चुके हैं बहुत से बड़े से पार्क में और मैं अभी नींद में हूँ। मेरी सहेली ने मुझे उठा दिया है 4 बजे। 6 बज रहे सुबह के। निकले मामा आपकी इजाजत हो तो गजरा बहुत है। चलो मैं वही सोच रही हूं क्या होगा। 8 डे सेकंड है कि मैं जल्दी उठ गई हूँ और मोटर पार्क कर रही है गाड़ी। फिर से टेढ़ी कर दिया और जज्बा बहुत है आज। फिर से पिंपल हो गए और मुंह भी दुख रहा है बहुत जोर से। चाची पता नहीं क्या करती रहती है। तो चलिए चलते हैं भाई लोग, यहाँ तो मजा है। एक तो इतनी सुबह उठ जाओ, ऊपर से फिर आपको ये दिखाती हूँ मैं एक व्यू। रुक जाओ थोड़ा आगे है। मेरा तो मन कर रहा है पानी के नीचे खड़ी हो जाऊँ मैं।
बढ़िया एक्सरसाइज करे सारे लोग, और मैं एक अकेली व्यक्ति हूँ यहाँ पे जो व्लॉगिंग करने आई हूँ। ये नहीं बोल रही थी मैं भी थी पार्क में एक लड़की है ये। आज चलो मैं आई हूँ, सुंदर पार्क है वैसे, उधर लोग योगा कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं। वैसे तो पार्क में यही होता है सुबह सुबह। बहुत ही गुड वाइब है पार्क का। और ये देखिए बहुत बढ़िया। सो अभी हम जा रहे हैं घर वापस, 8 बजने वाले हैं, 6 बजे आए थे हम, 2 घंटे स्पेंड किए हमने यहाँ पे। धूप तेज हो रही है क्योंकि पहले मुझे लगा कि कान स्पीकर पे लग रहे हैं, बाद में पता लगा कि नहीं ये कोई गा रहा है। मार्केट है जो रात को इतनी भरी होती है कि कौन ही बोली ये मार्केट बेचारी दिखती तक नहीं है। और अभी 100 साल से पानी घर में नाले पानी। मैं बोल रही हूँ कि मार्केट देख रात को कैसी लगती है, यहाँ पे मतलब एक पैर रखने के लिए भी जगह नहीं होती रात को। और अभी शांत बिल्कुल, सारे सो गए हैं लोग। इसके पास चल डाउन टू अर्थ, डाउन टू नारियल। जुड़े लोग हैं हम, जुड़े होंगे। मूवी और सुबह के बज रहे 9। क्या ढूंढ रही है? नींबू। ओए गिर गई। चाय रेडी है हमारी।